हेलो व्यूवर्स, हम लोग कल बात कर रहे थे लास्ट के बारे में। तो कल छोटा सा एक वीडियो बनाया था क्योंकि लास्ट के जो पॉइंट्स थे वो आप नोट डाउन कर सकें और समझ सकें। तो आज उसको रिवाइज़ करते हुए एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। फुट लास्ट पूरा बताया था कल। सॉलिड फॉर्म अराउंड विच इज सू इज मोल्डेड इज कॉल्ड लास्ट। एक ठोस फॉर्म होती है जिसके ऊपर जूते को शेप दी जाती है, वो फर्मा कहलाता है। लास्ट इज ए रिप्लिका ऑफ द गुड, पैर की परछाई या प्रतिबिंब या स्वरूप उसका बोल सकते हैं। और ये पूरा बताया था कि एक फर्मे पे कई डिजाइन बन सकते हैं, लेकिन सारे डिजाइन्स कैसे रहेंगे? टो स्प्रिंग, ही लाइट और टो शेप, ये तीन चीज़ें, टो स्प्रिंग, ही लाइट और टो शेप, ये सेम रही हर डिज़ाइन में, लेकिन डिज़ाइन आपके अलग अलग हो सकते हैं। डर्बी, ऑक्सफोर्ड, सिलिकॉन, जो भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ सेम रहेंगी। अगर आपको इन तीनों चीज़ों में बदलाव करवाना है तो आपको क्या करना होगा? नया फर्मा डेवलप कराना पड़ेगा, नया लास्ट डेवलप कराना पड़ेगा। और नया लास्ट डेवलप कराएंगे उससे पहले हमें ये सारी चीज़ें कंसिडर होनी चाहिए। हम कौन सी टो का फर्मा बना रहे हैं, क्या टो स्प्रिंग ही लाइट रहेगी, आपका फिटिंग मेजरमेंट्स क्या रहेगा, कि आप लार्ज फिटिंग में चाह रहे हैं या मीडियम में चाह रहे हैं, जो भी है, जेंडर यानी कि लेडीज़ के लिए बना रहे हैं किड्स में या जेंट्स में, और उस पर कौन सा आप आर्टिकल बनाएंगे, बूट्स, कैजुअल या फॉर्मल। ये नॉर्मल डायग्राम है, ये टू प्रोफाइल या टू बॉक्स बोलते हैं। ये फ्रंट एरिया हो गया, ये बेस्ट एरिया, ये बैक, रियर, हिंड पार्ट या काउंटर पार्ट हो गया। नेक्स्ट हमने उसके कल पॉइंट्स पढ़े थे। फोर पार्ट कौन सा कहलाया जाएगा, वेस्ट पार्ट कौन सा होगा और हिंड पार्ट कौन सा होगा, फेदर एज कौन सी होगी जो हमारी अपर पोर्शन और बॉटम पोर्शन फर्मी की अलग करती है, वो क्या कहलाई जाएगी, फेदर एज कहलाई जाएगी। ठीक है, वेम पॉइंट आपका ये हो गया, फ्लेक्सिंग पॉइंट, इन स्टेप गर्द्स ये हो गई आपकी, वॉल पॉइंट ये हो गया मैक्सिमम, जहाँ आपका फर्मा मैक्सिमम चौड़ा होता है, पहला और पांचवा मेटाटार्सल सेट या मैक्सिमम बिल्ड पॉइंट ऑफ द लास्ट, जो हमारा क्या होगा, बेस प्लेन, यहाँ से और यहाँ से फर्मा टच रहता है, बाकी क्या रहेगा, हवा में रहेगा पूरा फर्मा। तो ये मैक्सिमम चौड़ा पॉइंट रहेगा, वही आपका आप वॉल ये कहलाएगा वॉल पॉइंट। ये आपका वेस्ट गर्थ हो गया आर्चिस के लिए, ये इन स्टेप गर्थ बता दी थी, इन स्टेप पॉइंट आपका ये हो गया। इसके आगे आप कोई कंपोनेंट नहीं बनाएंगे और वेम पॉइंट के ऊपर नहीं बनाते हैं, इसके आगे बना ही लेंगे या पीछे बनाएंगे, वेम और इन स्टेप से ज़्यादा आगे नहीं ले जाएंगे क्योंकि ओपनिंग फिर छोटी हो जाएगी। तो इन स्टेप पॉइंट आपका हो गया फुट इंसर्शन पॉइंट, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पैर को इंसर्ट करने वाला पॉइंट। ठीक है, शॉर्ट हील और लॉन्ग हील आपका जो अब आप बूट्स बनाएंगे उसमें आपका काम आएगा। थ्रॉट ओपनिंग मैक्सिमम, जहाँ से आपका जूता खुलेगा वेम पॉइंट से आपका बैक हाइट तक थ्रॉट ओपनिंग कहलाई जाएगी, या मैक्सिमम ओपनिंग पॉइंट ऑफ द शू। और आपका थिम्बल या सॉकेट, जहाँ फर्मे को क्या करते हैं, लास्टिंग के लिए और डी लास्टिंग के लिए जो भी होल होता है टॉप ऑफ द हील के ऊपर, वो आपका क्या कहलाया जाएगा, थिम्बल सॉकेट। ठीक है, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं इसमें। टाइप ऑफ लास्ट मटेरियल वाइज, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मटेरियल कौन सा यूज होता है हमारे इसमें फर्मा में लास्ट मेकिंग के लिए। आपने देखा होगा वुडन फर्मा भी आपने देखा होगा, और प्लास्टिक का तो यूज़ करते ही हैं, और एक आपने देखा होगा मेटलिक फर्मा। तो मेटल जो धातु का होता है वो आपने देखा होगा प्री फॉर्मिंग मशीन में, जब बॉटम सेक्शन में हम लोग एंटर करते हैं तो राइट हैंड पर जो मशीन है वो आपका, आपने देखा होगा जो उसके लास्ट हैं वो कैसे हैं, मेटलिक हैं। और प्लास्टिक वाले तो आप यूज़ करते ही हैं, और बटन भी आपने देखे होंगे जो अर्लियर स्टेज में यूज होते थे, अभी भी कुछ जो छोटे जो एक्सपोर्टर्स या डोमेस्टिक में लोग काम करते हैं तो वो अपने इकोनॉमी के हिसाब से वुडन
लास्ट पर काम करते हैं। द फॉलोइंग बेसिक काइंड ऑफ रॉ मटेरियल आर मेनली यूज्ड फॉर द सूलास्ट। फॉलोइंग बेसिक, नीचे दिए गए बेसिक सामान, काइंड ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल के किस्में, द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग सूलास्ट, हमारे फर्मे को बनाने के लिए प्रयोग होते हैं। पहला कौन सा है? वुड, प्लास्टिक और आयरन। तो वुड में कौन सा होगा? कुछ हमारे नए नए आपको वर्ड मिलेंगे, मैपल हो गया, अमारा हो गया, बीच हो गया, मैंगो हो गया और पिटराज। इनकी जो किस्में हैं वुडन की, वो सबसे अच्छी बताई गई हैं आपका वुडन फर्मे के लिए। कुछ इसमें फॉरेन ट्रीज हैं, कुछ हमारे साउथ इंडिया की तरफ ज़्यादा होते हैं, कुछ अपनी तरफ भी हैं, मैंगो, पिटराज वगैरह। और सेकंड है आपका प्लास्टिक, हाई डेंसिटी प्लास्टिक। नॉर्मल प्लास्टिक में आप हैमरिंग करेंगे, उसको शेप देंगे और कितने प्रोसेस से हमारा लास्ट और ये लास्टिंग प्रोसेस से गुजरता है, तो जो भी दबाव उस पर पड़ेगा तो क्या होगा, डी शेप हो सकता है फर्मा। जहाँ आपको फर्मा डी शेप हो गया, वैसे ही शेप आपका जूता या फुटवेयर ले लेगा। तो इसलिए हमें कैसी प्लास्टिक यूज़ करनी पड़ेगी? हाई फर्मा वाली। तो इसलिए हम यूज़ करेंगे इसमें हाई डेंसिटी प्लास्टिक। आपका लास्ट वन आ जाता है आयरन। आयरन कौन सा है? कास्ट आयरन, ठीक है। नॉर्मल लोहा नहीं होगा क्योंकि उसमें रस्ट लगने के चांसेस रहेंगे, कास्ट आयरन रहेगा, वो हीट जल्दी ले लेता है। अब हमारा ये बात हुई थी, किसकी बात हुई थी हमारी? टाइप ऑफ लास्ट मटेरियल वाइज, ये फर्मे के प्रकार नहीं है, सिर्फ बताया जा रहा है फर्मे किन किन धातुओं से मिलकर बने होते हैं, आपका वुड से, प्लास्टिक से और आयरन से, किन किन चीज़ों से। तो अब मेन एक्चुअल पॉइंट शुरू हो रहा है आपका, कि हमारे फर्मे कितने तरह के होते हैं। टाइप ऑफ लास्ट, ये चीज डिज़ाइन या रिक्वायरमेंट वाइज, जो भी ज़रूरत हमें पड़ेगी वैसा ही लेंगे। सबसे पहला हमारा आता है कौन सा? सॉलिड ब्लॉक लास्ट। ब्लॉक मतलब एक कुछ भी ब्लॉक हो सकता है, टुकड़ा टाइप का, वो कैसा होगा? सॉलिड होगा। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये पूरा टुकड़ा कैसा है? सॉलिड है, कहीं भी ब्रेक नहीं है। इसमें भी कहाँ है? कहीं भी ब्रेक नहीं है। तो इसको बोलेंगे सॉलिड ब्लॉक लास्ट। दिस इज अ लास्ट मेड विथ सिंगल ब्लॉक ऑफ मटेरियल। ये फर्मा किस पर बनेगा? जो एक ही ब्लॉक मटेरियल का होगा उसी पर ही डेवलप किया जाएगा, नो ब्रेक इसमें। इट इज़ मेनली यूज फॉर मॉडलिंग फाइनलाइजेशन। अब इसको आप समझेंगे थोड़ा सा, मॉडलिंग फाइनलाइजेशन क्या होता है। जैसे कि हम एक अपना कोई आर्टिकल फाइनल कराते हैं बल्क प्रोडक्शन में बनवाने के लिए, जैसे 10,000 पेयर बनाना है, तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक या दो पेयर बनाएंगे, उसमें हम एंडमेंट करके जो भी हमें चेंजेस करना है हम वहीं फाइनल करेंगे, जो सैंपल डिपार्टमेंट में करते हैं। तो ऐसे ही सैंपल डिपार्टमेंट होता है लास्ट इंडस्ट्री में, वहाँ क्या करेंगे, फर्मे का मॉडल फाइनल होगा कि आपको ये टो स्प्रिंग में चाहिए, ये हीलाइट में चाहिए, ये आपको गर्थ मेजरमेंट चाहिए, ये क्या चाहिए, टो सेप, हील सेप, जो भी चाहिए ऐसा बना के दिया है। अब आप जो फुटवेयर सप्लायर होगा वो कहेगा नहीं, मुझे थोड़ा सा और चेंजेस चाहिए, मुझे गर्थ इसकी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, या टो स्प्रिंग थोड़ी और ऊपर चाहिए, या टो सेप थोड़ी राउंड हो गई, थोड़ा नैरो कीजिए इसको, ठीक है, या बैक हाइट में ये हमारा क्या भाई शेप सही नहीं आ रहा है, बैक शेप काउंटर का थोड़ा सा और उसमें ऐड कीजिए तो थोड़ा सा और ब्रॉड शेप आए। तो जो भी चेंजेस होंगे, तो ऐसे ही जैसे हम जूते में चेंजेस करते हैं दोबारा डिज़ाइन करके बनाएंगे, ऐसे ही क्या होगा फर्मा इंडस्ट्री में एक सॉलिड ब्लॉक को क्या करेंगे, सॉलिड ब्लॉक को ईजिली रब भी किया जा सकता है, उसमें मटेरियल ऐड भी किया जा सकता है, उसको हीट करने के बाद प्लास्टिक को दोबारा चिपकाया जा सकता है, ऐसे वुडन में होता है फेविकॉल के साथ मिक्स करके। तो जब हमारा वो एक्चुअल मॉडल फाइनल हो जाएगा तब वो क्या करेंगे, 5,000 10,000 जितने भी आपने फर्मे के ऑर्डर देने हैं उसी को सेम कॉपी करके आपके क्या है वो बल्क में फर्मे बनाए जाएंगे। तो जो मॉडल फाइनल होगा वो सॉलिड ब्लॉक पर ही होगा, क्योंकि ब्रेक वाले पे करेंगे तो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा। आप देख लीजिए इन पर अगर वो मॉडल फाइनल करेंगे तो उसमें कितना खर्चा आएगा, ये सारी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं, ये पीस अलग है, जितना मैकेनिज्म बढ़ता जाएगा, जबकि उसका कोई रोल है नहीं, हमें क्या मॉडल फाइनल कराना है। अब इस पर करा, इस पर भी हो जाएगा, पैसा क्यों वेस्ट हो।
ठीक है, तो हमारा हो गया सॉलिड ब्लॉक लास्ट एंड, यहाँ तक हो गया हमारा। दिस लास्ट मेड बी सिंगल ब्लॉक ऑफ मटेरियल, इट इज़ मेनली यूज फॉर मॉडलिंग, फाइनलाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग चप्पल एंड सैंडल एंड वाइड ओपन फुटवेयर। आपने देखा होगा कोई भी आप जूता बनाते हैं तो डीलास्ट करते हैं, जूते को फरमे से अलग करते हैं, तो फरमे को ब्रेक करना पड़ता है, कहीं छोटा बड़ा करना पड़ता है डीलास्ट से पहले, या ऊपर ऊपर दबाएंगे या नीचे दबाएंगे, जहाँ फरमा छोटा हुआ वहीं आप जूते को ईजिली निकाल सकते हो। लेकिन सॉलिड ब्लॉक में क्या है, यहाँ ब्रेक नहीं होगा, कहीं ब्रेक नहीं है, तो इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, नॉर्मल खुले हुए जूते बनाएंगे, चप्पल सैंडल्स वगैरह, या बहुत वाइड ओपन फुटवेयर होते हैं जैसे बैली वगैरह, ईजिली निकल जाती हैं, तो ये सब चीज़ें हम बना सकते हैं, ठीक है। जो वाइड ओपन फुटवेयर होंगे और चप्पल सैंडल मेकिंग के लिए, तो इसमें दो क्वेश्चन राइज होते हैं कि हमारा सॉलिड ब्लॉक लास्ट कहाँ यूज होगा, हमारा सॉलिड ब्लॉक लास्ट चप्पल सैंडल मेकिंग या वाइड ओपन फुटवेयर में। तो मोस्टली आपको कोशिश करना है ओपन फुटवेयर में, कहाँ यूज होगा, ओपन फुटवेयर, और चप्पल इजीली डीलास्ट की जा सकती है, सैंडल भी इजीली इसके स्ट्रैप को लूज करके निकाला जा सकता है। अब इसमें एक किस्म और आ गई, ये आपको दिख रहा होगा, थोंग लास्ट। थोंग लास्ट का मतलब हो गया, थोंग मतलब पैर का अंगूठा, थंब मतलब हाथ का अंगूठा, तो थोंग लास्ट जो चप्पल्स होती हैं लेडीज़ की, मोस्टली जेंट्स में भी आता है कोल्हापुरी वगैरह, जहाँ पैर में चप्पल में अंगूठा होता है। अब इसमें आप अंगूठे वाली चप्पल को कैसे बनाएंगे बताइए, इसमें आप कैसे बनाएंगे बताइए, क्योंकि इसमें इजीली चप्पल एंड जो का जो भी रहेगा थंब वो इजीली एंटर हो जाएगा, इसमें क्या होगा, यही रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे, ठीक है। तो सॉलिड ब्लॉक लास्ट में एक और किस्म आई हमारी थोंग लास्ट, ठीक है, समझ में आया, आपका पहला हो गया है। सेकेंड को समझते हैं, स्कूप लास्ट, स्कूप इसकी भी आप समझ ली, डायग्राम अपना बनाइए, ये देखिए ब्रेक होता है, सेपरेट हो जाता है वो यहाँ से, यहाँ पे भी आपको एक शेप दिख रही होगी, ऐसे करके आइए, ये इतना ब्रेक हो जाएगा, इट इज़ टू सेपरेट पार्ट लास्ट। वो कैसा था, सॉलिड था एक ही ब्लॉक में, ये कैसा है, दो ब्लॉक हैं इसके भाई, टू सेपरेट पार्ट हैं अपने अपने अलग अलग। एक कट इज़ मेड एज सोन इन पिक्चर, एक कट बना हुआ है जैसा आपको पिक्चर में नीचे जो दी गई है इसमें दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। विच रिमूव ए लार्ज पोर्शन ऑफ टॉप ऑफ द लार्ज पोर्शन फ्रॉम द टॉप फॉर लूज फेस्टनिंग, फेस्टनिंग मैंने बताया था बंधन, ऑफ इट मेड बाई मीन ऑफ ए प्लग्स, ये प्लग्स होते हैं जो निकले हुए हैं, ए प्लग्स पे हमारा जो लार्ज पोर्शन होता है ये कैसा हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ये देखिए अलग हो रहा है, ये मिल जाता है इसी से, फिर ये सेपरेट हो जाएगा, सेप बाई मीन्स ऑफ प्लग्स फॉर अनलास्ट, जब आपको डीलास्ट करना होगा जूता तो आप क्या होगा, इस पीस को निकाल देंगे लेसेस लूज करके, फिर हमारा क्या होगा, पूरा जूता ढीला हो जाएगा, फिर उससे हम डीलास्ट कर लेंगे। फेस्टनिंग यानी जो बंधन होगा, बंधन कैसा हो जाएगा, लूज हो जाएगा, फॉर अनलास्ट द शू या डीलास्ट द शू फ्रॉम द लास्ट द अपर पोर्शन इज सेपरेटेड फर्स्ट इस बिकम ईजी टू अनलास्ट द शू फ्रॉम द लास्ट। मोस्ट ऑफ द हैंड शू मेकर, जो हैंड शू मेकर या छोटी यूनिट्स हैं वो लोग इस पर काम करते हैं, ये प्लास्टिक में भी आता है और आपका वुडन में भी आएगा, वुडन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आपका आ गया स्लाइडोमेटिक या टेलीस्कोपिक, ये तो आपने यूज किया होगा, बॉटम में स्लाइड कर जाता है, स्लाइड कैसे करता है, आप प्लास्टिक जेब में लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ऐसे करके आपने लगाया, ऐसे करके आपने क्या लगाया, लास्टिंग जैक में ऐसे लगाया, फिर क्या किया, इसको इस वाले पोर्शन को क्या किया, ऊपर की तरफ धकेल दिया, ऊपर की तरफ मूव कर लिया, वही चीज़ बता रहा है,
देर इज नो गैप इन बिटवीन टू ब्लॉक्स, दो ब्लॉक होंगे एक ये एक, लेकिन दोनों के बीच में गैप नहीं होगा, चिपके हुए होंगे ये. इट्स शॉर्टेंड बाई मूविंग इन द अपर डायरेक्शन. ये छोटा कैसे होगा, शॉर्टेंड मतलब छोटा, तो उसको अपर डायरेक्शन में आप उसको मूव कराएंगे. टू फैसिलिटेट रिमूव द लास्टेड शू, क्या फैसिलिटेट करने के लिए, क्या सहूलियत लेने के लिए, आपको जो लास्टेड शू है उसको डीलास्ट कर सकें. ये दूसरा हो गया था आपका सॉलिड के बाद. ये तीसरा आखिरी किस्म है इसकी, ऑर्डिनरी या कन्वेंशनल हिंज. ये आपको वी शेप वाला फर्मा जो होता है, ऑर्डिनरी बोलते हैं, कन्वेंशनल हिंज भी या सी हिंज. सी हिंज इसलिए बोलते हैं जो हिंज होती है, ये पत्ती होती है दोनों को जोड़ती है, वो इस शेप में होती है, सी शेप में, तो इसलिए सी हिंज बोलते हैं. जो आपको ये दिख रही होगी, ठीक है, सींच इस तरीके से, हिंज उसमें भी होती है, दोनों इसको भी पकड़ी हुई होती है, लेकिन इसका नाम उसके नाम से नहीं पड़ा है, इसका नाम इसकी जो हिंज है उसके नाम से भी पड़ गया है, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो टू पार्ट बट डिफरेंट फ्रॉम द स्कूप ब्लास्ट. इसमें भी दो पार्ट होते हैं लेकिन स्कूप ब्लास्ट से बिल्कुल अलग होता है. ये देखो स्कूप, स्कूप कैसा है और ऑर्डिनरी कैसा है. इट इज ऑल्सो टू पार्ट ब्लास्ट बट डिफर्स एंटायर फ्रॉम स्कूप ब्लास्ट. ए वी कट इज मेड ऑन द ब्लॉक ऑफ ए मेटल पीस कनेक्ट the front and rear part of last. A V cut on the block, जो V cut आपको दिखाई देगा, एक metal का piece, धातु की पत्ती क्या करेगी, दोनों को connect करेगी, और front part सामने का और rear part पीछे का हिस्सा. It shortened, यह छोटा कैसे होगा, by moving it downwards direction. अब आप फर्मे को क्या करेंगे जी डीलास्ट करने के लिए, मान लीजिए अभी आपका लास्टिंग जेब में लगा हुआ है, अब इसको फर्मे को कैसे डीलास्ट करेंगे, अब इसको क्या करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे. उसको क्या किया था हमने, स्लाइडोमेटिक को अपवर्ड में और इसको हम डाउनवर्ड में, ये वी को पूरा चिपका देंगे. समझ में आया. तो ये हो गया आपका फोर टाइप ऑफ ब्लास्ट मोस्टली यूज होते हैं. ऊपर और देख लेते हैं, सॉलिड, सॉलिड ब्लॉक का होता है, स्कूप दो पार्ट में होता है, हैंड सूमेकर इसको यूज़ करते हैं प्लक्स के साथ, स्लाइटोमेटिक जो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, एंड लास्ट वन इंच ऑर्डिनरी कन्वेंशनल इंच या सी हिंज लास्ट. चार तरीके के लास्ट होते हैं. फाइनल जो मेटेरियल वाइज पढ़ाया था वो मेटेरियल के रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एक्चुअल होते हैं प्रकार वो कैसे होते हैं आपके, यही होते हैं चार. एक लास्ट आपका और आ रहा है आखिरी टाइप ऑफ लास्ट, बॉटम प्लेट वाइज. जो बॉटम में आपने कभी कभी प्लेट देखी होगी, किसी में फुल प्लेट होता है, किसी में प्लेटेड नहीं होती हैं, किसी में हील में ही प्लेट होती हैं, तो क्या क्या हमारे बॉटम वाइज प्लेट वाइज भी हमारी फर्मे हमारे लास्ट हो सकते हैं. पहला आपको दिख रहा है चित्र में टो पर हो रहा है और सेंक प्लेटेड, दूसरा आपका टो एंड हील प्लेटेड, तीसरा आपका फुली प्लेटेड, चौथा आपका सेंक प्लेटेड लास्ट, पांचवा आपका हील प्लेटेड लास्ट, और चौथा और छठवा है आपका नो प्लेटेड. आजकल मोस्टली नो प्लेटेड ही यूज़ हो रहा है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो गया है, मेटल बैन हो गया है, इंजर्ड कर सकता है, अगर कोई भी नील टैग चुभा अगर रह जाता है तो पैर को हर्ट कर सकता है, और फिर क्या होगा, कोई भी आदमी को इन्फेक्शन हो गया अगर उसका इंश्योरेंस बहुत हैवी हुआ तो क्या हुआ, कंपनी हर जाना भरती रहेगी या उसका नाम खराब हो जाएगा, आगे बायर्स नहीं लेंगे, जो भी है 100 तरीके की परेशानियां हैं, तो रिस्क नहीं लेते हैं. इससे पहले ये यूज होता था, अभी भी बहुत यूज होता है कि हील पर ही प्लेट छा देते, समय के हिसाब से बदलाव होते गए, रिक्वायरमेंट्स आती गई, तो ये सब हील प्लेटेड लास्ट आपको मिलती गई.
तो ये हम बॉटम सेक्शन में देखेंगे, आगे जाएंगे जब आप शूज़ बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। आप क्वेरी सेशंस आने दीजिए, जिस जिसकी कोई क्वेरी है वो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। कल हम नए टॉपिक पर बात करेंगे, ये आपका ही लेट टू स्प्रिंग पर बात करेंगे और फुट और लास्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये दो टॉपिक हैं, और पैर को कैसे मेजर किया जाता है ये सब हम लोग जानेंगे। थैंक यू।